लेडियों एंड जेंटलमैन, आप सबकी नमः नमः। मैं नरेंद्र मोदी, सब लोग बोलते हैं मोदी हमें बाल नहीं दे रहा है, हम कैसे देंगे बाल तो जब हमारा बाल नहीं है। हिंदुस्तान में और नेपाल में कुछ समानता है, जैसा कि सनी लियोन का जिगर और नेपाल के मंत्री बाबूराम भट्टराय का फिगर बहुत ही अच्छा है। सोनिया गांधी का साड़ी और नेपाल के मंत्री स्वर्गीय मंत्री झुसिल कोइराला की दाढ़ी बहुत ही अच्छा है। हिंदुस्तान में जो चाय बेचता था वो नरेंद्र मोदी बनता है, लेकिन नेपाल में जिसको डांस करना नहीं आता वही महानायक राजेश माल बनता है। पानी नानी और जवानी पहाड़ में कभी नहीं रहते, आपके नेताओं ने पानी को दिल्ली तरफ बेच दिया, नानी को मुंबई तरफ बेच दिया और जवानी को खाड़ी मुल्क में भेज दिया। जब तक ऐसा रहेगा तब तक नेपाल कभी नहीं सुधरेगा। मित्रों, हिंदुस्तान के बारे में क्या बताऊं, मेरा देश का आसमान नीला है, धरती पीला है, सबको लगता है धरती हरा भरा होना चाहिए, पीला कैसे हो गया। मित्रों, हिंदुस्तान में चर्बी ज्यादा नहीं है, लोग बाहरी दिशा कर देते हैं, इसलिए मेरा देश का जमीन पीला हो रहा है। मित्रों, लोग पहाड़ी पिशाब कर देते हैं, इसलिए मेरा देश का जमीन गीला हो रहा है। मित्रों, मेरी बात हुई थी पूर्व राजा गेंद्र से, उन्होंने कहा राजतंत्र को स्पेस चाहिए। मित्रों, मैंने बोला स्पेस चाहिए तो खाली है, स्पेस पर चाहिए। मित्रों, प्रचंड ने कहा मैं नया पार्टी को जन्म देना चाहता हूँ, मुझे सहयोग कीजिए। मैंने बोला ये जन्माने की काम के लिए दूसरा की सहयोग मत लीजिए। मित्रों, वो बोलता है जो भी हालत में मैं नया पार्टी को जन्म देना चाहता हूँ, मुझे सहयोग कीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं जन्म तो दूंगा लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपके पत्नी मान जाएगी। अलग दिमाग ने बड़ा मार रही ये पंकज पर भूकंप पहले जय शंकर गिंदा राजनी ने झारा कैश का भाग्य अच्छे रहने का उचित मामला करा वास्तव में हनीमून मत गाय कर भैंसी कर मार्ची कर सब में मंगल अच्छे रियल तक की तो मत का ठिकाना गाय तीजा को खा जा मीठे भाग रे तामले ढेरे खाई भाने रा पीछे नामले कैश का भाग्य कैश के नाम का उचित मामला करा खाजा खाजा आप बारी में चश्का बाजे लाइन का।